नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकाफ्राई चैनल पर। दोस्तों, वियरओएस स्मार्ट वॉचेस में भी एंड्रॉयड फ़ोन की तरह ही प्ले स्टोर होता है, लेकिन सभी ऐप्स उस प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होते, तो हम उनको एज ए थर्ड पार्टी ऐप वॉच में इंस्टॉल करते हैं। लेकिन वन यूआई 5 एंड वियरओएस 4 अपडेट आने के बाद गैलेक्सी वॉच में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे न्यू फीचर्स आए हैं, न्यू ऐप्स आए हैं, और उनमें से ही एक चेंज ये भी आया है कि अब आप सिंपली सिर्फ आईपी एड्रेस से कनेक्ट करके वॉच में थर्ड पार्टी ऐप्स या एपीके फाइल्स इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो फिर कैसे कर सकते हैं? उसी के लिए तो ये वीडियो बनाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो ये होता था कि हम फ़ोन को इजी फाइल टूल्स की मदद से वॉच के आईपी एड्रेस से कनेक्ट करके एपीके फाइल्स वॉच में इंस्टॉल कर लेते थे, पर अब न्यू अपडेट आने के बाद सैमसंग ने गैलेक्सी वॉचेस की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अब आपको पेयरिंग कोड भी डालना होता है और इसका ऑप्शन इजी फाइल टूल्स में नहीं है, उसमें सिर्फ आईपी एड्रेस का ऑप्शन है। तो अब हम यूज़ करेंगे एक दूसरा ऐप जिसका नाम है बगजगर ऐप। इस ऐप का यूज़ वैसे हम पहले कर चुके हैं, हमने डीपीआई चेंज करने की वीडियो में बताया था कि कैसे आप बगजगर ऐप से वॉच की डीपीआई चेंज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बगजगर ऐप से हम एपीके फाइल्स वॉच में कैसे इंस्टॉल करें। तो सबसे पहले आपको फ़ोन में बगजगर ऐप इंस्टॉल कर लेना है। आप चाहे तो इसे सिंपली स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, बाकी आपको अगर इसका प्रीमियम वर्जन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गूगल ड्राइव लिंक से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको फ़ोन एंड वॉच को सेम वाईफाई से कनेक्ट कर देना है। अब हम वॉच में ऑन करेंगे डेवलपर ऑप्शंस। तो इसके लिए आपको जाना है वॉच की सेटिंग्स में, अबाउट वॉच में, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में। अब सॉफ्टवेयर वर्जन पर कुछ क्लिक्स करने हैं जिससे डेवलपर ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे। अब दो बार बैक आना है और यहाँ पर आपको अबाउट वॉच के नीचे डेवलपर ऑप्शंस दिख जाएंगे। डेवलपर ऑप्शंस पर क्लिक करना है। अब वायरलेस डीबगिंग में जाना है और इसे ऑन कर देना है। अब आपको फ़ोन में बगजगर ऐप ओपन करना है। यहाँ आपको नो डिवाइस कनेक्टेड के बाद प्लस प्लग का सिंबल दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। अब इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये आईपी एड्रेस और पोर्ट अपने आप उठा लेगा, नहीं तो आप मैन्युअली भी डाल सकते हैं। अब आपको वॉच में पेयर न्यू डिवाइस पे क्लिक करना है और बगजगर ऐप में पेयर पर क्लिक करना है। यहाँ भी ये आईपी एड्रेस और पोर्ट अपने आप उठा लेगा, नहीं तो आप मैन्युअली भी डाल सकते हैं। अब यहाँ तीसरे ऑप्शन में आपको वाईफाई पेयरिंग कोड डालना है जो वॉच में शो हो रहा है, और पेयर पर क्लिक कर देना है। अब कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो अब फोन बगजगर ऐप के थ्रू वॉच से कनेक्ट हो चुका है। अब आपको बीच में अपलोड वाली टैब पर क्लिक करना है, फिर ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करना है। अब फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू आप वॉच में एपीके फाइल्स इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपने फ़ोन में डाउनलोड की हैं, और दूसरे ऑप्शन के थ्रू आप फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऐप्स को वॉच में इंस्टॉल कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि फ़ोन के सभी ऐप्स वॉच में नहीं चलेंगे, इनफैक्ट कुछ ही ऐप्स हैं जो वॉच में वर्क करेंगे। जैसे हमने क्रोम इंस्टॉल किया तो वो चल रहा था, टेलीग्राम भी चल रहा था, फेसबुक और गूगल ड्राइव क्रैश कर रहे थे। आप अलग अलग ऐप्स इंस्टॉल करके ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा चल रहा है और कौन सा नहीं। तो इस तरह से आप थर्ड पार्टी ऐप्स को गैलेक्सी वॉच 4, 5, 6 या और भी वियरओएस स्मार्ट वॉचेस में इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी आप कोशिश करें कि वॉच के ऑफिशियल ऐप्स ही ज़्यादा यूज करें, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप्स वॉच की परफॉर्मेंस को डाउन भी करते हैं, और अब वैसे भी ज़्यादातर ऐप्स वियरओएस के लिए ऑफिशियली लॉन्च भी हो रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, जीमेल वगैरह। इन फ्यूचर हमें बाकी भी अच्छे अच्छे ऐप्स वॉच के प्ले स्टोर पर ही मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ आपके अपने चैनल टेकाफ्राई पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।